नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी की सेवा में। यहाँ पे आज मैं आप सभी के लिए रेडियो संवर्ग में जो भर्ती निकली हुई है, प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक, एक और आपकी है कर्मशाला कर्मचारी की, तो इसके संदर्भ में मैं आपके सामने रणनीति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो आपकी रणनीति यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ वो आपका रेडियो ऑपरेटर के असिस्टेंट के पद का है, जो 1374 पद के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली गई है। एग्जाम की डेट नहीं आई है, फिर भी फॉर्म फिलिंग चालू है। 20 तारीख से आपका फॉर्म चल रहा है और अगले माह के 28 तक आपका फॉर्म चलेगा। फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे तो बहुत सारी आपको कठिनाई भी आ रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने दिक्कत वही बताई थी कि बीसीए वाले और बीएससी वालों को समस्या आई थी। हमने उसके चक्कर में जाके भर्ती बोर्ड में बात भी किया था और आप सभी से ये भी बताया था कि आप सभी लोग फॉर्म भरो, अब आज नहीं तो कल। आयोग ये मानेगा कि हाँ, जो बीसीए है और जो बीएससी है ये क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग साइड में करते हुए अभी, क्योंकि जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है या जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर दिए हैं या जिन्होंने तैयारी चालू कर दी है या एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कैसे तैयारी करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस स्तर की परीक्षा होगी, पूर्व में परीक्षा हुई तो उसका स्तर क्या था, अभी मानसिकता क्या है आयोग की, कैसे प्रश्न पत्र बनेंगे, एजेंसी जो मिली है, जो एजेंसी प्रश्न पत्र बना रही है उसके क्वेश्चन बैंक कैसे हैं, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और इन सब की चर्चा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हो। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक भी कर दो और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। साथ में यदि इस वीडियो के बाद भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट यानी कि जो सहायक परिचालक हैं, हम उसकी बात करेंगे। 1374 पद हैं और सारी चीजें आप जानते हो, फॉर्म भी भर रहे होगे या बाकी सारी चीजें हम लोगों ने एफएक्यू के वीडियो में डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो कैसे पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने की जब बात आती है तो सर्वप्रथम आपके सामने क्या आता है, आपके सामने आता है सिलेबस, है ना। इसका बैच भी आपका चल रहा है तो आप देख लीजिएगा, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस है और सिलेबस को अभी इससे पूर्व में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कराई गई परीक्षाएं हैं, जैसे आपका एसआई सब इंस्पेक्टर का हुआ है और आपका एएसआई जो मिनिस्ट्रियल वाला था, कॉन्फिडेंशियल वाला था, उसके लिए जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं और उसका सिलेबस लगभग लगभग सेम है। दो पॉइंट आपके यहाँ पे अलग है। पहली बात तो ये कि इसमें जब अगर केवल हम सहायक परिचालक की बात करेंगे तो फिजिक्स जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, साइंस उसने लिखा है लेकिन फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि सामान्य अध्ययन में भी थोड़ा इसने क्या है, चेंज किए हैं। बाकी लगभग सारे के विषय लगभग लगभग सेम है, बहुत माइनर चेंजेज हैं जो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो चार संभाग होंगे, 100-100 अंक है, निगेटिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका जो सेक्शनल है पर सब्जेक्ट या सेक्शनल आप बोल सकते हो कट ऑफ है और वो 50% है। अभी इस पूरे विज्ञप्ति में इसने ये नहीं बताया कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, लेकिन जैसा कि इसने क्या कहा है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, टोटल 400 अंक होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और अगर 2.5 घंटे का पेपर होगा तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रत्येक संभाग से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आपका एएसआई में पूछा गया था। इस बात को आप समझते हुए चलिएगा, यानी प्रत्येक विषय में आपको न्यूनतम 25 क्वेश्चन सही करने हैं। निगेटिव नहीं है इस कारण से, न्यूनतम 25 क्वेश्चन आपको सही ही करने हैं। और अगर आप एक मोटा मोटा नजर डालो, उम्मीद है ये आपको सही से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा। हाँ, ये अब देखोगे तो इसमें अगर आप सामान्य अध्ययन वाला विषय देखो तो एक आपका विज्ञान सामान्य ज्ञान है, जिसमें का जो संभाग है विज्ञान का है और दूसरा खा जो है सामान्य ज्ञान का है। विज्ञान इसमें भी है, ऐसा नहीं है, सामान्य ज्ञान में भी विज्ञान है। और इस सामान्य ज्ञान में कौन सा विज्ञान होगा, वो आपका बायो होगा, जैसे आपके डिजीजेस वगैरह पूछते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह पूछते हैं, और आपकी केमिस्ट्री होगा, जैसे आपका एसिड बेस साल्ट है ना, अम्ल क्षार लवण जो क्वेश्चन होते हैं इन पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बनते हैं। लेकिन ये वाला जो आपका कोर है, जैसे आपने एलिजिबिलिटी भी देखा होगा 12th लेवल पे इसने किया है, लेकिन सारे जितने बेहतरीन चैप्टर हो सकते हैं और सिलेबस से ही समझ में आ जाता है कि इस बार आयोग की मंशा कुछ और है। मैं पहले बात इससे बता दूं कि इस बार जो पेपर करा रही है वो एजेंसी NSEIT ही है, एजेंसी नहीं बदली है, वही एजेंसी है जो आपकी UPSI कराई थी और वही एजेंसी है जो आपकी ASI कराई थी।
तो इस एजेंसी की खासियत यह है कि यह हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। अगर इसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म लिख दिया, इसने लिख दिया कि आखिर स्थिर विद्युतरेखा पे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन ये एजेंसी बनाएगी। लेकिन एक बात समझिएगा कि जो आयोग है, आयोग के इसके प्रश्नों की प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा यहां पे बोल सकते हैं कि कंट्रोल है। वहां पे बैठे जो उच्च अधिकारी हैं वो एजेंसी को साफ साफ बोलते हैं, अब तो इतनी पारदर्शिता है कि ये तो बता देते हैं, जो टेंडर वगैरह आता है, अभी आपने यूपीपी का टेंडर देखा होगा, इससे पहले भी टेंडर आते थे, टेंडर में बता देते हैं कि आपके प्रश्नों के लेवल ऐसा होगा, आपके प्रश्नों का पूछने का ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा। प्री बिडिंग जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। उस दिन हम लोग बात भी करने गए, जब काफी देर एआरओ साहब से बात हुई, भारद्वाज साहब से, तो उनसे बात करने में मुझे लगा वो खुद ही बीटेक हैं केएनआईटी से, उनसे भी यही मुझे बात करते हुए लगा कि नहीं, अगर ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा रख रहे हैं कि बीसीए कम है, बीटेक ज्यादा है, डिप्लोमा ज्यादा है, तो इनका मतलब है कि पेपर में कहीं ना कहीं इनका रोल ज्यादा है। और उन्होंने एक बात बातों बातों में कह दी कि सब कुछ आयोग है, जहां पे एक जो सचिव होता है और उनके अंदर में दो अध्यक्ष हैं, वो मिलके, तीन लोग मिलके ही जहां पे चिड़िया बिठा देते हैं, साइन कर देते हैं, वही फाइनल हो जाता है। तो एक बात समझिएगा, प्रश्नों की प्रवृत्ति पे कहीं ना कहीं आयोग का, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन देखने जाएगी, लेकिन वो एक शब्द जरूर बोलेगी कि एजेंसी आप क्वेश्चन को कमजोर मत करिएगा, जिस हिसाब से आपका पेपर है रेडियो संवर्ग का है, तो अच्छा खासा पेपर बनने वाला है और ये पार्ट आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं आपको एएसआई और एसआई में भी पहले ही बता दिया था कि पेपर किस लेवल का आएगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जैक्टली वैसे हुआ था। बच्चों ने भी, जो बच्चे एएसआई में हमसे, हजारों बच्चे जुड़े थे एसआई में जुड़े थे, और वो सभी लोग कमेंट में आप लोग बताइएगा भी कि जितनी बात मैंने आपसे बोला था उतनी बात सत्य थी कि नहीं सत्य थी, और वही फिर से होने वाला है, तो यहां पे थोड़ा संभल के रहना है। दूसरी बात, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, इसमें जो पॉइंट है ये, अगर आप एएसआई का देखोगे, जो प्रधान परिचालक है वो एसआई के सिलेबस से मैच कराया है, थोड़ा बहुत चेंज है, और जो सहायक परिचालक है वो एएसआई के सिलेबस से मैच कराया है, स्लाइटली चेंज है। यहां पे अगर इसमें देखो तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान ही है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो सब कुछ सेम है, और बाकी जो पॉइंट है मिसलिनियस वाले, स्टैटिक वाले, इस पे हमने बहुत बेहतरीन नोट्स पिछली बार दिए थे, और इवन जो हमने मैराथन करवाए थे उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन फंसे थे, ये आपको पता होगा, और फिर से हम उसी मेहनत के साथ इस बार कोर्स में उतरे हैं, एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे, और इस बार हमारे पास ज्यादा प्रूफ होंगे क्योंकि उसने दो पेपर करवा दिया है, एसआई और एसआई, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं हमें मिल जाते हैं। और जब क्वेश्चन बैंक हमारे हो जाते हैं तो एक बात समझिएगा कि फिर से एनएससीईआरटी जो इससे पूर्व में परीक्षाएं करवाई है उससे 30% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ये बात मैं आज ही बोल रहा हूं, 30% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो रणनीति की पहली पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा फोकस आपको एसआई और एएसआई, वर्ष 2021 में एसआई और एएसआई की कराई गई परीक्षा एनएससीईआरटी द्वारा बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है। एक एक पेपर आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए हम बैठे हैं, एक एक चीज आपको सॉल्व करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम मेन, अभी अगर आप थीम समझ गए होगे तो रणनीति पे आते हैं कि आखिर हमें कैसे तैयारी शुरू करनी है, कहां पे हमें फोकस करना है, कहां पे हमें स्कोर ज्यादा करना है। पिछली बार जो गलतियां हुई एसआई और एएसआई में गलतियां हुई क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे, वो चाहे एएसआई के बच्चे हों चाहे एसआई के बच्चे हों, जो सबसे ज्यादा उनको समस्या आई वो कहां पे आई, जीएस में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में, और वहां पे तो 35% और 40% ही थे, यहां पे तो 50% है, ये बहुत मुश्किल की बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर इस बार विज्ञप्ति ने, बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है कि पहले मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होगा और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क होगा उसके आधार पे जो 50% से अबव पाएगा वही एलिजिबल होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, वरना वो फेल करार दे दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि आप बाउंड्री पे होते हो, सपोज करो कि 50 क्वेश्चन है जीएस संभाग का और 50 में आपने 26 और 27 क्वेश्चन कर पाए हो और आप उस शिफ्ट से बिलोंग करते हो जिसका पेपर क्या था, आसान था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन नीचे जाएगा और क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट जो 26-27 क्वेश्चन करेगा वो क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर 50% है तो आप ये मान के मत चलो कि ये सेक्शनल कट ऑफ आपका 50 है, सेक्शनल कट ऑफ आप 60% मान के चलो, तभी जाके आप सेफ जोन में रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो दिमाग में आज ही बिठा लो, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, एग्जाम जो होगा इसका वो मई लास्ट तक जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं। उस दिन जैसे मेरी डीजी से बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था 15 मार्च तक डीवीपीएसटी इसका कराएंगे।
जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, सरकार बनती है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश 26,000 जो कांस्टेबल भर्ती है उस पे लगेंगे और उसके बाद इसकी डेट वो घोषित करेंगे और इसकी डेट आपकी मई लास्ट या जून में जाएगी। तो आपके पास अभी समय पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, 4 महीने आपके पास समय है। 4 महीने आप कैसे यूटिलाइज करना है वो समझो। सेक्शनल कट ऑफ 60% करना है। और मैं एक बात और यहां पे बता दूं कि अगर आप 70-75% स्कोर कर ले जाते हो, 70-75% स्कोर कर ले जाते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, और अगर 80% स्कोर कर ले जाते हो तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। मतलब आप ऐसे समझो कि आप रिस्क जोन से है ना, रेड लाइन से, और आप टॉपर बनने में जो परसेंटेज डिफरेंस है वो केवल 20% है। कहने का मतलब अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 का अगर 20% निकालोगे तो 10 क्वेश्चन का केवल खेल है। मतलब आपका सिलेक्शन से नहीं, आपके सेक्शनल कट ऑफ पार होने से और जो टॉपर है उसके स्कोर के बीच में केवल प्रत्येक संभाग से 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन का ही अंतर पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? अगर 200 क्वेश्चन होंगे यहां पे, तो अगर कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चन पा रहा है तो जो टॉपर होगा वो 140 ही पाएगा, आप ऐसे समझना। कारण क्या है? क्योंकि 50% सेक्शनल कट ऑफ और जो आपका इस बार सिलेबस है फिजिक्स का, ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को कम करेगा। और ऐसा मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, आप अगर एएसआई की परीक्षा देखो, एसआई की परीक्षा देखो, शुरू में सब बोलते हैं बहुत ज्यादा मार्क्स, लेकिन जब हमारे पास आंकड़े आते हैं तो कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 80% में होते हैं। एएसआई वाला ही ले लिया जाए, अगर 200 क्वेश्चन का 80% निकाला जाए तो 8×2=16, 160 क्वेश्चन, 160 से ऊपर वाले आप खुद सोचो कितने बच्चे हो, कमेंट में मुझे बताना एएसआई में 160 से ऊपर वाले कितने बच्चे हो। मुश्किल से अगर हम देख ले कि वहां पे जो मेरे पास 5,000 बच्चों का आंकड़ा आया था, उस 5,000 में मुश्किल से 15-20 बच्चे, 25 बच्चे चारों शिफ्ट का मिला लिया जाए तो मुश्किल से जाते हैं जो 160 से ऊपर पाने वाले होते हैं। तो इस कारण से मैं बता रहा हूं कि भैया 80% पे टॉपर लिस्ट में आप आ जाते हो। मैं नहीं कह रहा टॉपर बन जाते हो, टॉपर में भी 100 कर दे उसका क्या भरोसा है ना, लेकिन आप टॉपर लिस्ट में आ जाते हो। जो टॉप 20, टॉप 25, टॉप 30 बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली आपको इस मैथ्स को समझना है और उसके बाद आपकी अपनी रणनीति शुरुआत करनी है। तो रणनीति बनाते समय आपके पास सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपके पास 4 महीने मिनिमम है तैयारी के, लेकिन ये 4 महीने मिनिमम है, ये मैक्सिमम भी है, ये भी समझिए। और दूसरी बात, ये 4 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होते जब सिलेबस आपका बहुत बड़ा हो। सिलेबस में आप देखो तो आपके पास हिंदी है, हिंदी के आपके पास 50 क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास फिजिक्स है, मैं साफ साफ जो उसने बोला है भले वो साइंस लेके, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर जीएस प्लस साइंस या बायोकेमिस्ट्री बोल लो, और इवन इसी में करंट भी है। प्रधान वाले में करंट नहीं पूछेगा क्वेश्चन, मैं आपसे साफ साफ बता रहा हूं, उसका मैं अलग से, अभी मैं सहायक परिचालक का बता रहा हूं, प्रधान परिचालक का जो विशेष विषय है उसकी स्ट्रेटजी मैं अलग लेके आऊंगा। बाकी हिंदी भाग हुआ, मैथ्स वाला संभाग हुआ और रीजनिंग वाला संभाग हुआ, वो लगभग स्ट्रेटजी सेम रहेगी। बाकी जो जीएस वाला संभाग रहेगा मैं प्रधान परिचालक का अलग से बनाऊंगा, तो प्रधान परिचालक वाले बच्चे उसे अलग से देख लीजिएगा, वीडियो इसी वीडियो में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो जीएस प्लस साइंस प्लस करंट के 25 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद आपके मैथ्स है, कोर मैथ्स, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके कोर रीजनिंग, जो कोर रीजनिंग है उसके आपके कम से कम नहीं तो 40 और 25 65 क्वेश्चन होंगे, है ना। और एक आपका सब्जेक्ट है मानसिक अभिरुचि, ये भी बहुत बड़ा गेम रोल प्ले करता है, जो पूरा सिलेबस बता रहा है, इसके करीबन 10 क्वेश्चन होंगे। तो अभी आप मिला लो तो 50 25 25 50 100 क्वेश्चन यहां पे हो गए, 65 और 25 90 यहां पे होगा, 10 यहां पे 100 100, यानी कि 200 क्वेश्चन टोटल जो आयोग इस बार सोच रहा है वो 200 क्वेश्चन यहां पे देगा। अब यहीं पे समझिएगा, मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूं, यहां पे आप समझिएगा स्ट्रेटजी में क्या आपका स्कोरिंग है और कहां आप पर क्या होता है स्कोर कम होता है, कहां पे आप उस रिस्की जोन है। तो अभी आप ऐसे समझना कि रिस्की को मैं अगर आर से डिनोट करूं तो कहां पे बच्चे रिस्क में जाएंगे, फिजिक्स वाला पार्ट रिस्की पार्ट है, मैथ्स पार्ट जब कैलकुलेटिव दे देता है तो ये रिस्की पार्ट होता है भले ही 25 क्वेश्चन है, मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट ये जो है आपका ये भी रिस्की पार्ट है, और इवन जैसे इस बार हिंदी देखा गया, हिंदी जैसे देखा गया उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ये रिस्की तो नहीं है लेकिन स्कोर जब करते हैं तो अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो इसमें स्कोर कम हो जाएगा। अब हम अगर स्कोरर वाले पार्ट में करें, अच्छा यहां पे भी ये वाले पार्ट को हम रिस्की जोन में ही रखते हैं क्योंकि यहां से भी बहुत उत्पटांग क्वेश्चन पूछ लेता है तो गड़बड़ होता है। स्कोरिंग पार्ट में देखो तो आपका स्कोरिंग पार्ट रीजनिंग है, स्कोरिंग पार्ट हिंदी है,
कहने का मतलब अगर आप देखो तो पूरे के पूरे सिलेबस में दो ही पार्ट आपका स्कोरिंग है और चार पार्ट आपका रिस्क है, लेकिन वेटेज के हिसाब से देखो तो स्कोरिंग वाला जो पार्ट है उसमें 50 और 65 यानी कि 6, 5, 11 115 क्वेश्चन आपका क्या है स्कोरिंग है। और अगर आप रिस्की वाले को देखो तो यहां पे आप देख सकते हो कि रिस्की वाले कितने क्वेश्चन हैं, 5, 120 यानी कि 85 क्वेश्चन क्या है रिस्की वाले क्वेश्चन। अब आप इससे उम्मीद लगा सकते हो आपकी रणनीति कुछ इसी हिसाब से बननी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है। तो आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी को दो कड़ियों में तोड़ो, एक परीक्षा तिथि घोषित होने से पहले और एक परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद। परीक्षा तिथि घोषित होने वाले पहले से आप ये जो रिस्की वाले जो सब्जेक्ट है इसको बहुत स्ट्रांग बना लो, क्योंकि अंत समय में आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है, टेम्परामेंट बेकार हो जाता है, आप पैनिक हो जाते हो, सिलेबस ज्यादा पड़ा होता है और घबराहट होती है, और ऐसे सिचुएशन में जो सब्जेक्ट टफ है वो उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाते। जिस दिन से परीक्षा तिथि घोषित हो जाए उस दिन आप इसको वहीं पे थोड़ा सा ढीला कर दो और जो स्कोरिंग पार्ट है उसमें इतनी मेहनत कर डालो कि ये 115 क्वेश्चन में से कम आप 100 प्लस करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखो 1374 बहुत ज्यादा पद नहीं होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फॉर्म नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें सहायक वाले में फॉर्म पड़ेंगे क्योंकि कुछ भी स्पेशल नहीं मांगा है, है ना, 12th लेवल पे आपसे पूछ रहा है तो फॉर्म काफी संख्या में इसमें पड़ने वाले हैं, ये बात आप समझते हुए चलिएगा। और फॉर्म अगर काफी संख्या में पड़ेंगे तो उस हिसाब से 1374 पद बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो जाहिर से रूप है क्या है कट ऑफ ऊपर जाएगा, और कट ऑफ ऊपर जाएगा और 50% सेक्शनल कट ऑफ है तो इसमें आप कहां पे लाई करोगे, ये बात आप समझते हुए चलो। सो लापरवाही हमें नहीं करना है, 4 महीने अभी एकदम ऐसा नहीं सोचो कि बहुत समय है, समय बहुत कम है, जो पूर्व में बच्चे गलतियां करते हैं वो गलती आप मत करो, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर 100 प्लस यहां से स्कोर करने का प्रयास कर रहे हो तो रिस्की वाले फैक्टर में मैं कह रहा हूं अभी आप जितना तैयार होता है उतना तैयार करो। आप इसमें अगर 50 क्वेश्चन भी करने का कर ले जाते हो लास्ट तक, 50 क्वेश्चन भी कर ले जाते हो तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 क्वेश्चन में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। तो रणनीति का जो मैं ऐसा नहीं है कि यह पहली और अंतिम वीडियो है रणनीति की, मैं और भी समय समय पे इवन जब मैं क्लास लेता हूं तो क्लास में आपको विषयवार रणनीति बताई जाती है, इवन अध्यायवार रणनीति बताई जाती है, इवन टेस्ट में आपको प्रश्नगत रणनीति बताई जाती है, हम जूम मीटिंग से आपसे कनेक्ट होते हैं, हम आपसे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं पेड कोर्स में, तो तमाम तरीके से आपसे कनेक्ट रहेंगे, बार बार हम आपको चीजें बताते रहेंगे, जैसे हमने ASI और SI में तैयारी करवाई थी, सिमिलरली हम उससे भी बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर तरीके से हम आपकी इसमें तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन ये अभी यहां पे चीजों को हमें समझते हुए चलना है, क्योंकि जब आपका दिमाग आज से परिपक्व हो जाएगा, आपको यह पता हो जाएगी एजेंसी कौन सा, आपको यह पता हो जाएगा प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसा है, आपको यह पता हो जाएगा आयोग क्या सोच रहा है, आपको यह पता हो जाएगी एजेंसी क्या सोच रहा है, आपको यह पता रहेगा कि सेक्शनल कट ऑफ मतलब जो टॉपर्स के नंबर है वो कितने जा सकते हैं या फाइनल कट ऑफ कर सकते हैं। अगर इतनी चीजें पता हो जाती हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो एक बहुत अच्छी दिशा प्राप्त हो जाती है। किताबें क्या हो सकती हैं, टेस्ट क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो मेन चीज है उसे आप समझो थोड़ा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको समय ज्यादा ले रहा हूं, और इत्मीनान से पूरी वीडियो देखो, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना 150 क्वेश्चन सर एग्जाम में बैठते हैं तो होता नहीं है, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं, जब आप 150 का टारगेट करोगे ना तो आप 125-130 पे शुरू जाके पहुंचोगे, और ये हर बच्चे का होता है, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कुछ भी हो, 10% आपसे क्या होता है ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर मतलब क्या हुआ भाई, ऑनलाइन पेपर होगा अगर तो पता लगे बी ऑप्शन चेक करना है, कभी क्या सर्वर नहीं काम करता है, कभी आपका माउस छोटा होता है तो हाथ उतने फिक्स नहीं होते हैं, आपने बी ऑप्शन लगाया सी क्लिक हो गया आप आगे बढ़ गए, ये ह्यूमन एरर में आ जाते हैं। दूसरा होता है 10% गलतियां आपकी पैरेलेक्स एरर में हो जाती हैं, कितना भी ये ऐसी गलतियां हैं जो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट और नॉलेज की वजह से गलती हुई है, ये ह्यूमन एरर में गलती हो रही है। पैरेलेक्स एरर मतलब कि आपके पास डिजिट क्या होता है 35 लिखा है उसे 53 पढ़ते हो, है ना, उत्तर आपसे पूछा है, रेडियस पूछा है आप डायमीटर निकाल के आ गए, डायमीटर पूछा है आप रेडियस निकाल के आ गए गणित में, GS में पूछा है नहीं आप हां का उत्तर देके चले आए, तो ऐसे आपके क्या होते हैं पैरेलेक्स एरर हो जाते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होने ही होने हैं,
वो विधि का विधान है प्रत्येक बच्चे से गलत होता है। तो अगर आप 150 क्वेश्चन टारगेट करके आओगे तो इसमें से 15 क्वेश्चन माइनस ही करके चलो, उसे प्लस करके मत चलो, यानी कि आप 135 क्वेश्चन पे आके गिरोगे जब आज 150 का टारगेट बनाओगे। तो जितना ऊंचा लक्ष्य बनाओगे उतनी ही ऊंची तीर जाएगी, ये भी आपको पता है। ये तो मैं आपको सेफ जोन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इससे ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इससे जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करने का प्रयास करो, और उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो आपकी पढ़ाई कोर्स से संबंधित हो, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे टेस्ट से संबंधित हो, चाहे आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, चाहे आपको रणनीति की जरूरत हो, किसी भी प्रकार का साम दाम दंडभेद हर प्रकार से मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आपको आपके जो बोल सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचाने का, अगर मैंने ठेका ही बोलेंगे उस शब्द को ठेका लिया है, तो मैं उस ठेके को भी अच्छे से निभाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको इस पे काम करना है। अब इसमें भी मैं क्यों रिस्की जोन में बोला, क्योंकि फिजिक्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो भौतिकी जगत का मापन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूं, सिलेबस आप एक बार अच्छे से देखिएगा, एनालाइज करिएगा। काइनेमेटिक्स गतिकी, और इसमें काइनेमेटिक्स में फिर बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, फिर लॉज ऑफ मोशन हो गया, गुरुत्वाकर्षण से पूछेगा, और सबसे बड़ी बात उसने देखो क्या रखा, स्थिर विद्युत की पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल अलग से पूछेगा कि इनफिनिटी से क्यू को लेके आते हैं हम, किसी पोजीशन पर रखते हैं, फिर उसमें जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बहुत अच्छे अच्छे उनके बीच का रिलेशन से पूछेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कहीं ना कहीं कोर फिजिक्स से, कोर फिजिक्स, और बहुत अगर इस पे प्रश्न बनाने पे आ जाएगा तो एक से एक कॉन्सेप्ट पूछेगा, और बच्चे गलत यहां पे बहुत करेंगे। तो फिजिक्स के लिए तो आप निश्चिंत हो, मैं ही फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन में आपका सही करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन नहीं हुए, 25 हुए, 50 क्वेश्चन मेरे जिम्मेदारी पर, ये 50 में आपका 49 नहीं होने दूंगा, 50 में 50 करूंगा अगर मेरे हिसाब से चल रही है तो। बाकी आपका सामान्य ज्ञान है, यहां पे निश्चित रूप से अंक कम होते हैं, लेकिन कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, कहां पढ़ना है। अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी लोग आप लोग कोर्स से जुड़ो, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा विभिन्न किताबें, क्योंकि देखो जैसा ये सिलेबस बनाया है मार्केट में ऐसी कोई किताबें है नहीं। आप एएसआई की भी परीक्षा दिए हो, कोई भी मार्केट में किताबें नहीं आई, कोई भी पब्लिकेशन हाउस नहीं कर पाता, बड़ी से बड़ी टीमें भी इतनी जल्दी नहीं कर पाती हैं, जो कोचिंग जो संस्था इसके लिए डेडिकेटेड होती है वही कर पाई थी। पिछली बार एएसआई में हमने किया था, इस बार हम इसे रेडियो संवर्ग में भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम इसके लिए दिन रात लगी हुई है। तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा कि आप कहां से लो, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि सारे के सारे नोट्स कंपाइल परीक्षा प्लस करवा रही है, सारी की सारी क्लासेस दे रही है, सारे के सारे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 30 की संख्या में टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं कि आपका सेक्शनल स्कोर कम ना हो, मतलब आप 40 से 50 टेस्ट आप दे रहे हो, आप इतनी जबरदस्त नोट्स पा रहे हो, और वो भी 1200 फीस है, वो भी 599 50% ऑफ के साथ। तो आप, मैं सबसे बोलूंगा जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, देखो दो प्रकार के बच्चे, एक नए बच्चे आएंगे, एक पुराने बच्चे आएंगे, तो पुराने बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें पुराने बच्चों से ये जरूर बोलूंगा कि कमेंट में जरूर आप अपना एएसआई का और एसआई का फीडबैक दो कि कितना परीक्षा प्लस से आपसे मदद मिली है, ताकि नए बच्चे कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव फीडबैक समझ पाए। जो जेन्युइन है वो आप बताओ, हम बुरे थे तो बुरे बताओ, हम अच्छे थे तो अच्छे बताओ, रिजल्ट आएगा वो भी पता चल जाएगा। तो खैर, हम कोर्स की बात निकल रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, कोर्स में आपकी वो स्वैच्छिक लेना होगा, लीजिएगा, नहीं लेना नहीं लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में सिलेबस एएसआई एसआई वाला है, तो इसमें कुछ मैं नया नहीं बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से कहां से सब पे एक एक, देखिए एनएससीआईटी बना रहा है, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि कौन सा पार्ट ज्यादा कौन सा पार्ट कम, बहुत बैलेंस्ड पेपर बनेगा। हाँ, ये बात सही है कि 50 में 25 क्वेश्चन ही मैथ्स के आएंगे, बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के होंगे, रीजनिंग के स्टेटमेंट कंक्लूजन। रीजनिंग वाले में ये जो मैंने 65 क्वेश्चन किया, यहां पे बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, जबकि दोनों पार्ट में मिला लिया जाए तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के होते हैं, ये बात आप समझिएगा। और 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के आपके रीजनिंग के भी स्कोर को कम कर देते हैं। तो ये बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना है, आशीष सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, इसे आप पढ़िएगा ताकि यहां से कम ना हो। ये 65 का आपको 65 अचीव करना है, 65 का आपको 64 नहीं करना है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी हो गया, हिंदी में जैसे रमन सर आपको रचनाएं वगैरह पिछली बार इतनी अच्छा पढ़ाए थे, तो रचनाएं वगैरह आप कवर कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछता है, भाषा से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी भाषा के इतिहास से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जनरल हिंदी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो जो अलग से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उस पर ध्यान देना है। पेपर को एनालाइज करो, एएसआई में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, अगर देखा जाए तो 24 शिफ्ट में करीबन 25 शिफ्ट में किसमें हुआ, एसआई में हुआ। इतने ज्यादा पेपर जब आपके कलेक्ट होते हैं और उसका निचोड़ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, इवन आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देने वाले हैं, जितना एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, अगर उनके पास
नहीं ज्यादा तो मान के चलो कि 25,000 क्वेश्चन के क्वेश्चन बल्क में हम 25,000 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ये बात मैं आज से 4 महीने में पढ़ ले रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से, तो वो आपका हो जाएगा। अल्टीमेटली अभी आपकी स्टार्टिंग है, ये आप एक मोटिवेशनल तरीके से समझ लो या रणनीतिक तरीके से समझ लो। अभी आपको दो पार्ट में लेके चलना है, दो पार्ट में एक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि स्कोरिंग सब्जेक्ट को अभी आप रोको, आप अभी रिस्की वाले सब्जेक्ट को पढ़ो। फिजिक्स की क्लास कल ही से मैं लगा दूंगा, जीएस की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है और मानसिक अभिरुचि की क्लास भी मैं अगले सप्ताह से करवा दूंगा। तो जो रिस्की वाले पार्ट है वो उसकी क्लासेस आपको मिलने शुरुआत हो जाएंगी, जो स्कोरिंग पार्ट है उसको अभी रोका जा रहा है, उसको बाद में करवा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो भाई एक बात समझना, आप सभी लोग बुद्धिमान हो और खुद भी इतना समझते हो चीजें में कितना होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है कॉन्टिन्यूटी। आपको कॉन्टिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई तो कहीं ना कहीं आप में दिक्कत आएगी। और कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी एक ही बात बोले, कम से कम 5 से 6 घंटे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आईएएस पीसीएस की तरह पढ़ो 12-12, 15-15 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, विधिवत रूप से पढ़ो, हर क्लास को अटेंड करो, सारे के सारे नोट्स पढ़ो जितने आपको दिए जा रहे हैं, तो आपका ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, कोर्स भी कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। 5 से 6 घंटे पढ़ना है। अभी आपके सारे रिस्की वाले जितने पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ते चलो। हिंदी है उसके नोट्स आपको दे दिए गए हैं और आपका जो रीजनिंग है उसका भी, आपका रीजनिंग का चल ही रहा है ऐसा नहीं है, तो वो भी कवर कर ही रहे हो साथ साथ में, वो आप कवर करते चलो, ठीक है ना, स्कोरिंग वाले के। बाकी रिस्की वाले में आप ज्यादा फोकस्ड हो इस समय, 5 से 6 घंटे दे रहे हो तो 4 से 5 घंटे आप रिस्की वाले को करो, 1-2 घंटे स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट को दो। ऐसा नहीं कि स्कोरिंग वाले पढ़ो ही मत, इसमें आप 60-70% समय रिस्की को दो और कितना 30-40% समय आप किसको देना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट को देना है। चौथी बात, आपका दिमाग बहुत मैच्योर होना चाहिए, मैच्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेम्परामेंट आप बहुत कूल ही रखो, है ना, बहुत ऐसा नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही सिलेक्शन लेते हैं, कोई अलग नहीं लेता है। और 1374 पद अगर इसके हैं तो 1374 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें एक भी बच्चा कम होगा। जाहिर सी बात है 50% वो है तो सारे बच्चे पास भी नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल भी होंगे, लेकिन हमें आपको पास होने वाली कैटेगरी में देखना है, फेल होने वाली कैटेगरी में नहीं देखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से हमें तैयारी करना है। अगर आप निरंतरता के साथ पढ़ाई करते रहोगे, जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, मैं भी आपको दिखाया नहीं, मैं अलग वीडियो में आपको दिखा दूंगा, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर भी कर सकोगे। फिर मिलेंगे हम लोग अलग अलग रणनीति के साथ, अभी मैं आपको ओवरऑल बताया हूं, मैं विषयवार रणनीति आपको बताऊंगा, प्रश्नगत रणनीति बताऊंगा, ये अभी सिलसिला चालू हुआ है और रेडियो संवर्ग के सारी वैकेंसीज में बहुत जबरदस्त तैयारी करवाने वाले हैं हम। तो फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कोर्स से अगर नहीं जुड़े हो तो कोर्स से जरूर जुड़ो, आपका बहुत न्यूनतम फीस में बहुत जबरदस्त तैयारी होने वाली है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार आप सभी का।